रखो, ये लो चम्मच में, पता नहीं चाचू के घर गई है। अजान सेविया सही बनी है? नुमान तुमने और लेनी है? तो यार आ गया ना, मैंने सेविया बनाकर अपने कमरे में ले आई। चलो मैंने सोचा कि आज जो है ना को कमरे के अंदर ही बैठकर वीडियो बना लेती हूँ और जो है ना मेरे कमरे की बार झला देखें। ये बस ऐसे टूटा फूटा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतरी करेगा। तो आज जो है ना अजान और ममान ने मैंने हमने सोचा कि आज अंदर बैठ के जो है ना सेविया खा लेते हैं। ये देखें बस, को ईद मुबारक कह दो। विवाद आपको ईद मुबारक हो, आपको विवाद आपको ईद मुबारक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे वार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। जो मेरे भाई बहन दुख में है, तकलीफ में है या किसी परेशानी में है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। तो इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम भाई और बहनों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और जो है वीडियो को पूरा वॉच करना, लाइक शेयर भी ज़रूर करना है। जी तो प्यारे वार, पहले तो मेरी तरफ से आप तमाम भाई और बहनों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। विवर्स आज अजान और नुमान के हालात देखिए। आज जो है ना इन्होंने माशाल्लाह से सुबह से जो है ना तैयारी में लगे हुए थे। ये देखें नुमान और अजान ने भी नए कपड़े पहने हुए हैं और सासू माँ ने भी पहने हुए हैं नए कपड़े। तो आज जो है ना मैं तो सुबह से काम करते करते बस अभी जो है ना मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है। तो विवर्स ये देखें मैंने भी कपड़े पहने हैं ईद पर। तो विवर्स अभी जो है ना मैं नुमान और अजान ईदी पढ़ के आया है ना, तो इसी वजह से जो है ना आज दिन को जो है ना धूप थी ना, तो अब जो है ना इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो मुझे लग रही है। तो मैंने सोचा कि इनको जो है ना चाय बना कर दे देती हूँ। जी तो प्यारे विवर्स मैं चलती हूँ, चाय जो है ना मैंने बना के रखी हुई थी उसको जो है ना गर्म करती हूँ। नुमान और अजान को और सासू माँ को भी देते हैं, चाय पीने से शायद इनकी तबीयत जो है ना कुछ ठीक हो जाए। ये लो नुमान अजान, ये लो चाय, ये लो। पानी भी ले आती हूँ। इन्होंने जो है ना अभी असल में आज सेविया खा लिया है ना, वो जैसे होता है ना वो जैसी रूटीन होती है ना खाने की, आज है ना रूटीन से हट के इन्होंने जो है ना सेविया खाई है ना, इसलिए जो है ना आज इनकी तबीयत बहुत खराब है। पानी चलो ले आती हूँ, थक गए हैं। थोड़े भजे होगा उड़े में दे ढोकड़ा मारे ना बाहर हूँ जाकर थकान दी दिए। असल में इनको जो है ना ये समझ नहीं है आसू, बस ईद के पीछे लग जाते हैं, ईद को भगा देते हैं उसके पीछे भाग भाग कर। खुद का पता नहीं है कि हमारी भी तबीयत ख़राब हो सकती है सारा दिन खेलने भागने में दौड़ने में। दादी माँ, आपकी दादी माँ के लिए भी ले आती हूँ, आपने पानी पीना है माशाल्लाह से। आज जो है ना सासू माँ ने जो है ना 30 रोज़े पूरे कर लिए है ना, आज जो है ना सुबह से जो चीज़ भी इनको देते हैं ना कहती है कि आज जो है ना मुझे कोई चीज़ का जो है ना दिल नहीं करता। एक महीना विवर्स जब दिन को कुछ ना खाया जाए तो फिर जो है ना ऐसा तो होता है ना, इंसान की तबीयत तो ख़राब होती है ना,
तो इसलिए जो है ना जो चीज़ भी मैं देती हूँ कहती है कि आज मुझे नहीं खानी, तो चाय पीनी है। चलो गोटी खान छोड़ दीजिए, अभी चाय पी लो, फिर जो है ना मौसम कुछ शाम हो जाएगी ना, कुछ सालन बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ सालन बनाएंगे, सेमिया खा लिया है ना बच्चों ने, बच्चों का मुंह जो है ना जायका बहुत खराब हो गया, सेमिया जाके हमारे पेट में दो रही है। अच्छा ऐसा कर दूंगी, शाम को जो है ना डाल घी में मिर्चें डाल कर वो मैं तुमको दूंगी, ठीक है ना, फिर आपके मुंह का जायका जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जरा परे तो हो जाओ, मुझे तो बैठना है, बस गर्म धूप ज्यादा है ना, चाय जो है ना हमेशा कुछ ठंडी पीनी चाहिए। हमारे गांव की जो है ना, हम गांव के माहौल के है ना, तो हमारी ईद तो बस ऐसे ही गुजर जाती है, हम शहर के नहीं हैं। शहर वाले जो होते हैं ना वो तो जाते हैं बाहर, चले जाते हैं घूमने फिरने चले जाते हैं, तो वैसे हमारे तो बस ऐसे ही काम काज में ईद जो है ना गुजर जाती है। तो अभी जो है ना मैंने चाय गर्म करनी है, थोड़ी ठंडी हो चुकी है ना, नुमान और अजान जो है ना वो तो उन्होंने तो ठंडी पी लिया है, सासू माँ कह रही है कि मुझे जो है ना चाय गर्म करके, मुझे तो मैं गर्म करके लाती हूँ। लकड़ी चावल लकड़ियाँ भी ले आती हैं, अल्लाह से चलो जिना जिना रोजे रखे अल्लाह सुना उन्हों को ना जी हर मुश्किल आसान करे, उन्हों के रोजे तोड़ पुजावे उत्ते सुन अल्लाह वो रहीम है वो करीम है मालिक सच्चा सही, असा जेरे रखे असा जेरी नमाज पढ़ी जेरी खत्म की जेरी तस्वीर पढ़ी अल्लाह साढ़े भी रोजे उत्ते पुजावे, सुन अल्लाह हर मोमन मुसलमान के रोजे उत्ते पुजावे, अल्लाह पाक मंजूर से मकबूल फरमावे मेरा सुन अल्लाह ओ रहीम है ओ करीम है मेरा सोना सच्चा सही, पूरी दुनिया को अल्लाह पाक खैर बरकत च रखे, ओ सोना मेरा सच्चा सोना अल्लाह, ताकि हर आने वाले साल हर मोमिन मुसलमान ऐसे ही रोजे रखें सोने रोजे और ऐसे ही उनको अल्लाह नसीब करे ईद, अल्लाह सोना हर मुसलमान को इतने रोजे पूरे फ्री नसीब करे दी, अल्लाह पाक सब नसीब अल्लाह सोना जीद हो जिंदगी हो सीधा आधे साल वाल अल्लाह सोना पूरे रोजे रखे सी, दिवाली का चलो राखी दीते पूरे रोजे मेरा सोना अल्लाह रखवाई दीते शुक्र जा अलहमदुल्ला जात पाक का जितना शुक्र अदा करो जितना शुक्र अदा करो, निशे वाली कर सकते पूरा वाली निशे कर सकते, जो असा इतना पूरे त्री रोजे पूरे कर दीते पूरे त्री रोजे रखवाए मेरा मालिक सोना सब ओ रहीम है ओ करीम है ओ साढ़े उत्ते बड़ी रहमो करम कीते साढ़े उत्ते बड़ा रहमो करम कीते मेरा सोना अल्लाह बड़ा रहमो करम मेरा माल है हर दी खैर करे हर दा भला करे हर मोमिन मुसलमान की मान हर मोमिन मुसलमान की सुख रहे जी। तो प्यारे वार असल में मेरे किचन में धूप बहुत है ना, ऊपर से कोई जगह नहीं है छाँव वाली, तो ये मुझे जो है ना परेशानी बहुत होती है, नीम के नीचे जो है ना चूल्हा बनाऊँ ना वहाँ जो है ना काफ़ी हवा चलती है ना, वहाँ पर चूल्हे पर कोई चीज़ बनी भी नहीं जाती, तो वैसे यहाँ पर धूप में परेशानी बहुत होती है, और काम तो करना ही पड़ता है, सालन रोटी बनानी पड़ती है, चाय वगैरह भी बनानी पड़ती है। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।